Hello viewers and listeners, welcome to new YouTube channel, New Creativity for Blind. Let's start countdown. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? 7 6 5 4 3 2 1 गो तो तालियों के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस न्यू क्रिएटिविटीज फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आईपीएल का सीजन चल रहा है और इसलिए हम अपने इस चैनल की शुरुआत भी आईपीएल स्पेशल हमने टाइटल दिया है। तो हम आपको एक इंटरेस्टिंग गेम के बारे में आज इंट्रोड्यूस करेंगे और ये भी बताएंगे आप उस गेम को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और उस गेम को प्ले कैसे कर सकते हैं। वैसे आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि 3 साल पहले भी मैंने एक चैनल क्रिएट किया था और उस टाइम पे मैंने क्लिकबज ऐप के बारे में बताया था और वो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए था और उसके लिए हमें मोर देन 700 व्यूज़ मिले थे जो कि बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए। और उसके बाद फिर मैंने चैनल पर कंटिन्यूसली कुछ नहीं किया, कुछ अपने रीजंस की वजह से और कुछ व्यस्तताओं के कारण। लेकिन अब हमने दोबारा से एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और हमने चैनल का नाम ही रखा है कि न्यू क्रिएटिविटीज़ फॉर ब्लाइंड। अब न्यू क्रिएटिविटी का मतलब तो यही ये तो नहीं होता ना कि हम किसी एक ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट करें। हम हमारे कम्युनिटी के टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास भी है कोई यूनिक टैलेंट और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7619133472 पर या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं THH7619। यह है हमारा यूज़र नेम। और क्योंकि आज हमारा ये वेरी फर्स्ट वीडियो है और काफ़ी लंबा होने वाला है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आई थिंक कम से कम 15-20 मिनट्स तक का तो ये वीडियो होगा। हाँ, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप सबको बहुत मज़ा आएगा और आप एक नया गेम खेलना सीखेंगे और वो भी एक कंप्यूटर यूज़र्स के लिए है। गेम का नाम है ब्लाइंड क्रिकेट 2020। तो चलिए ज़्यादा आपका हम समय नहीं लेते हैं और डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि कैसे इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और कैसे आप इस गेम को खेल सकते हैं ताकि आईपीएल का सीज़न समाप्त होते ही आप अपनी लाइफ में बोर ना हो जाओ और जब कभी आपका मन करे तो आप खुद T20 क्रिकेट गेम खेल कर अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे इस ट्यूटोरियल को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए स्क्रीन तो आपको नहीं दिखेगा बट हमने एक स्पीकर खरीदा हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्क्रीन रीडर की जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियरली सुनाई देगी, है ना। बार हम कंफर्म करते हैं कि स्क्रीन रीडर आपको क्लियरली सुनाई दे क्लियरली। ओके फाइन। तो अब सबसे पहले हम इस गेम को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप लिस्ट यूजर वन ऑफ वेब। और अब यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर में हमेशा यूज करता हूँ। वैसे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आपको इजी लगे आप अपने तरीके से कर सकते हो बट मैं गूगल क्रोम ही यूज करता हूँ। और गूगल क्रोम ओपन करते हैं। तो गूगल क्रोम ओपन हो गया और सीधे हम एड्रेस बार में पहुंच चुके हैं। अब हम एड्रेस बार में
वो वेबसाइट लिखेंगे. एक्चुअली वेबसाइट तो बहुत सारे है वैसे इस गेम को डाउनलोड करने के, बट मैं blindhelp.net से डाउनलोड करूंगा. तो मैं सिंपल लिखूंगा कि यहाँ पे कि डाउनलोड ब्लाइंड क्रिकेट फ्रॉम blindhelp.net. वैसे इससे पहले मैंने डाउनलोड किया हुआ है, शायद मुझे रिजल्ट में मिल जाए अगर मैं एक दो लेटर्स भी टाइप करूँ तो. हाँ, तो मैंने सिर्फ D O W N इतना ही लिखा और मुझे रिजल्ट में मिला क्योंकि मैंने इससे पहले ऑलरेडी 11% now you selected D plus from plus and help dot net and dot equals now and that equals 12.6 9 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
मुझे रिजल्ट मिल चुका है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास अच्छी होगी, उतनी अच्छे से आप जल्दी से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसे इतना बड़ा भी नहीं है ये, जस्ट 15 MB का होगा। चलिए एक बार हम मैन्युअली करते हैं, कंट्रोल प्लस होम टॉप ऑफ द पेज जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम करने के बाद ये बिल्कुल टॉप पेज पर पहुंच चुके हैं हम। अभी तक इस वेबसाइट को हमने ओपन नहीं किया, ठीक है। एड्रेस बार में जस्ट हमने टाइप किया डाउनलोड ब्लाइंड क्रिकेट फ्रॉम ब्लाइंड हेल्थ डॉट नेट और एंटर किया, और उसके बाद अब हम टॉप ऑफ द पेज पर हैं। अब यहाँ पे बेसिक यूजर्स को मैं बताऊंगा कि आप तब तक डाउन डाउन एरो वगैरह की प्रेस कर सकते हैं जहाँ ब्लाइंड क्रिकेट 2020 हेडिंग लिंक आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक, या फिर आप टैप टैप भी कर सकते हैं। 100%। अच्छा, तो ये क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो इसलिए ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड में अपडेट वगैरह होते रहता है, जिसको मैंने ऑफ नहीं किया। तो हाँ, अब यहाँ पे आप या तो जो क्विक नेविगेशन कीज को जानते हैं वो एच प्रेस करके डायरेक्टली उस गेम पर जा सकते हैं। मैं वी प्रेस करूंगा क्योंकि मैंने इससे पहले इसको विजिट किया था, है ना। अगर आप अप डाउन एरो प्रेस करोगे तो ये वाली लिंक आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली वी प्रेस किया है इसलिए मुझे मिल गया बड़े जल्दी, और इस पर मैं एंटर करूंगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंटर करने के बाद। अच्छा, ये अब नया वाला पेज ओपन हो चुका है। कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम करने के बाद हम फिर से टॉप ऑफ द पेज पहुंच गए। अब यहाँ पे भी आप अप डाउन एरो की प्रेस करके इस वेबसाइट पे क्या क्या है आप नेविगेट कर सकते हैं टैप टैप की प्रेस करके। क्योंकि इससे पहले मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं जो इजी तरीका है उसे यूज़ करूँगा। मैं अब यहाँ पे इंसर्ट प्लस F7 प्रेस करके एलिमेंट लिस्ट मुझे लेना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि ईजीली डाउनलोड हो जाएगा। आप अप डाउन एरो या टैप टैप करके देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे क्या क्या है, क्या कुछ नहीं है नेविगेशन, है ना। बट मैं आपको इसे सिर्फ डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ, तो मैं डाउनलोड के लिए इंसर्ट प्लस F7 एलिमेंट लिस्ट नाइलॉन। अच्छा, एलिमेंट लिस्ट हमने ले लिया इंसर्ट प्लस F7 से, तो अब मैं डी प्रेस करूंगा ताकि हमें डाउनलोड लिंक मिल जाए। तो ये 15 MB का है। Downloading 18 seconds left alert. Download complete. T20B32 setup 10. तो इसी के बाद ये डाउनलोड भी हो गया, ठीक है। सिंपल। अच्छा, हमने क्या किया, हमने गूगल क्रोम ओपन किया, एड्रेस बार में गए और यहाँ पे एड्रेस बार में हमने लिखा डाउनलोड ब्लाइंड क्रिकेट फ्रॉम blindhelp.net। उस पर हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिले, फिर हमने कंट्रोल प्लस होम करके टॉप ऑफ द पेज गए, फिर मैंने वी प्रेस किया क्योंकि मैंने इससे पहले इसे विजिट किया था, और फिर मैंने एंटर किया। पर आप लोग वी मत प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर किसी ने पहली बार इस वेबसाइट को विजिट करना है तो आप मैन्युअली अप डाउन एरो की प्रेस करके या फिर एच प्रेस करके उस गेम के लिंक तक पहुंचिए, उसके बाद आप
एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नया पेज ओपन हो गया और फिर से मैंने कंट्रोल होम टॉप ऑफ द पेज, और इस बार मैंने एलिमेंट क्लिक किया इंसर्ट प्लस F7 से, और फिर मैंने DD प्रेस करके इस गेम को डाउनलोड कर लिया इजीली। तो डाउनलोड के बाद अब बात आती है इंस्टॉलेशन पर। तो अब हम पहले डिस्क पीसी में जाएंगे, क्योंकि डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड फोल्डर में ही वैसे ये मिलेगा। List PC window, items, new list, folder, grouping, expanded, D, desktop, D, documents, D, downloads, 4.12. Okay. Downloads. Items, new list, today, grouping, expanded, D20B32 setup, test, make, D20B32 setup, 10 downloaded from blindhelp.net, 3 not selected, 1.17, D20B32 setup, 10 downloaded from blindhelp.net, 3 file description, PG2020 cricket setup company, Spoonbill. So yeah, have a game. जो अभी अभी हमने डाउनलोड किया है, इस पर अभी हम सिंपल एंटर करेंगे। Select D20B32 setup 10 download window dialog. Download window. Setup. Setup BG2020 cricket dialog. Welcome to the BG2020 cricket setup wizard. This will install BG2020 cricket version 1.0 on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Click next to continue or cancel to exit setup. Next greater button alt plus N. Okay, तो हमारा focus अभी next पर है। तो इसके कहने का यही मतलब है कि जब आप इस game को install कर रहे हो तो background में कोई भी आपका app चल रहा होगा तो उसे close कर लो, उसके बाद अब इसे install करो। यही बोल रहा है वो। Batting strength, bowling style and strength. You can do all this with the built-in team builder. 38 equals for more freeware games. Visit the spoon bit less half button alt plus B. चलिए हम टैप टैप करते हैं, क्योंकि इतना सब नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बताने ही वाला हूँ ना कि कैसे खेलना है। तो ये वही सब इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस गेम को आप इंस्टॉल करने के बाद दो टीम्स चूज कर सकते हो, गए कैसे खेलना है क्या वो तो हम बताने ही वाले हैं आपको। तो एक बार मैंने टैप किया, तो फिर से टैप करते हैं और नेक्स्ट पे स्पेस करते हैं। Next greater button alt space. Press to continue. Click next. If you would like to select a different folder, click browse edit selected C. Program files x86 games D20 cricket B. अच्छा, इसका ये मतलब है कि अब अगर हम ब्राउज करेंगे तो ये डाउनलोड होकर कहाँ पे मतलब ये फाइल सेव होगी, तो क्योंकि वैसे बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में सेव होती है, तो इसमें मैं भी चाहता हूँ कि सी ड्राइव में सेव हो जाए, तो मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे टैप प्रेस कर रहा हूँ। Button alt less half button next greater button alt plus N. Space press to continue. Click next. If you would like to select a different folder, click browse edit selected Spoonbill games. Browse but less half button next break rest space. Select the additional tasks you would like set up to perform while installing BG2020 cricket. Then click next tree view creator and desktop icon checkbox not checked. अच्छा, इसको हमें चेक करना है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा जैसे हम डेस्कटॉप पे गए थे और जी प्रेस किया तो गूगल क्रोम का एक शॉर्टकट आइकॉन हमने क्रिएट किया था, तो ये नॉट चेक है। अगर इसको हम चेक करेंगे तो इसका भी एक शॉर्टकट आइकॉन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप जी प्रेस करोगे तो फिर आपको बीजी क्रिकेट 2020 नाम से वो आइकॉन दिखेगा, अगर इसे आप चेक करेंगे तो नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हमने फिर टैप टैप किया, टैप टैप करके नेक्स्ट पे फिर से स्पेस किया। कैंसिल बटन, क्लिक इंस्टॉल टू कंटिन्यू विद द प्लस हाफ बटन, इंस्टॉल बटन ऑल्ट प्लस आई। और ये सबसे लास्ट प्रोसेस इंस्टॉल। प्रेस नेक्स्ट बटन, कैंसिल बटन, 22%, 33%, 44%, 56%, 68%, 79%, 90%, 100%. Setup has finished installing BG2020 cricket on your computer. The application may finish button alt plus F. एक बार टैप करके मैंने फिनिश पे स्पेस किया। Hey, setup unavailable. तो इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के बाद अब हम आपको इस गेम को कैसे खेलना है वो आपको समझाएंगे। जब हम इस गेम को डाउनलोड कर रहे थे तो एक ऑप्शन के बारे में आपने सुना होगा, सुना था वैसे श्योर, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा नॉन स्टॉप देख रहे हैं तो आपने डेफिनेटली मिस नहीं किया होगा।
एक ऑप्शन था क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन चेकबॉक्स चेक, तो नॉट चेक था उसको हमने चेक किया और फिर कंटिन्यू करने के बाद इंस्टॉल किया था। तो ये गेम ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे ओपन करेंगे और उसके लिए हमें डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद क्योंकि ये बीजी क्रिकेट 2020 है और स्टार्टिंग का लेटर है बी, तो हम यहाँ पे बी प्रेस करेंगे और बी प्रेस करते ही गेम एंटर करना है, उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपना एनवीडीए का स्क्रीन रीडर को क्विट करूँगा क्योंकि उसके बाद एक ऑटोमेटिक से इस ऐप में एक नरेटर की वॉइस आपको सुनाई देगी और इस कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को आपको बड़े ध्यान से सुनना है और जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए इस गेम को हम ओपन करते हैं। Welcome to Blind Gamers 2020 Cricket. Hit N to start a new game. 2020 Cricket. Hit T to invoke the team builder. Hit Q to quit the program. Okay. जैसे हमने एंटर किया तो नरेटर वाइज स्टार्ट हो गया है, अब यही हमको गाइड करेगा गेम को खेलने के लिए। तो उसने कुछ ऑप्शंस बताया, मतलब कुछ शॉर्ट कीज बताया। अगर इस गेम को सेव करना है तो R प्रेस करना, T प्रेस करके हम न्यू टीम क्रिएट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग जो भी टीम्स ऑलरेडी हैं उनमें से कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और N प्रेस करके हम नया गेम स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक जो ऑप्शन वहाँ पे उन्होंने दिया है टीम बिल्डर का, जिसमें हम कोई भी नई टीम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन फिलहाल दिया गया है बट उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो भी टीम्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, जितने भी खिलाड़ी इसमें बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमको उन्हीं के साथ खेलना पड़ेगा। इसलिए मैं डायरेक्टली गेम स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने आपको ना ही न्यू टीम क्रिएट करके दिखा पाऊंगा और ना ही कोई एग्जिस्टिंग टीम में से कोई चेंजेस करके दिखा पाऊंगा क्योंकि चेंजेस नहीं होते, भले उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं बट वो चेंजेस नहीं हो पाते हैं। तो हम अपना स्क्रीन रीडर अब क्लोज कर देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है दो दो स्क्रीन रीडर्स की। अब ये ऑटोमेटिक नरेटर ही हमें गाइड करेगा इस गेम को कैसे खेलना है। ओके, अब हम बिल्कुल गेम स्टार्ट हो चुका है। अब क्योंकि हमें तीन चार जो कीज उसने बताए थे आर टी एन और क्विट करने के लिए क्यू, तो हम एन प्रेस करते हैं, न्यू गेम हमको स्टार्ट करना है। यूज द अप एंड डाउन एरोस टू चूज द फर्स्ट टीम, हिट स्पेस बार टू सेलेक्ट। तो जैसे ही हमने एन प्रेस किया तो एक मतलब टीम्स की लिस्ट आ गई और आपको तो पता ही है कि दो टीम्स हमें लेनी है, तो हम टीम्स चूज करते हैं अप डाउन एरो से और जो भी टीम हमको सिलेक्ट करनी है स्पेस बार से हमें सिलेक्ट करना है। इंग्लैंड, इंडिया। चलिए हम इंडिया ले लेते हैं स्पेस। इंडिया विल बी कंट्रोल्ड बाय अ ह्यूमन प्लेयर। यूज द अप एंड डाउन एरोस टू चूज द सेकंड टीम, हिट स्पेस बार टू सेलेक्ट। चलिए हम सेकंड टीम ले लेते हैं इंग्लैंड। England. Space. Choose human or computer to control England. Hit H or C. जब हमने पहली टीम सिलेक्ट किया उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट इसने ह्यूमन विल बी कंट्रोल, आपने सुना होगा मतलब हम खुद कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब सेकेंड टीम हमने सिलेक्ट किया तो अब हमें ऑप्शन दिया गया है कि इसे भी हम क्या ह्यूमन कंट्रोल करें, यानी कि हम ही कंट्रोल करें या फिर कंप्यूटर के साथ आप खेलना चाहेंगे। वैसे तो मैं हमेशा से कंप्यूटर के साथ ही खेलता हूँ, मुझे खेलने में मज़ा आएगा, बट मैं यहाँ पे H प्रेस करूँगा, H फॉर ह्यूमन C फॉर कंप्यूटर, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं। और मैं इसको भी ह्यूमन कंट्रोल इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे आपको दोनों चीज़ें बतानी है, बैटिंग कैसे करते हैं और बॉलिंग कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कंप्यूटर सिलेक्ट किया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टॉस का। टॉस होने के बाद मान लो कंप्यूटर की बैटिंग हुई तो हम सिर्फ बॉलिंग करेंगे और कंप्यूटर सिर्फ बैटिंग करेगा, तो 20 ओवर्स तक तो हम वेट नहीं कर सकते, इसलिए मैं H ले रहा हूँ। आप यहाँ पे सेकेंड टीम चूज करने के बाद C भी प्रेस कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर के साथ खेलना चाहें तो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस गेम को समझने के लिए पहले आप दोनों भी टीम्स ह्यूमन कंट्रोल के साथ खेलिए और एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो उसके बाद फिर आप कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। तो चलिए हम H प्रेस करते हैं और ह्यूमन कंट्रोल में फिर बैटिंग भी हमको ही करनी है और बॉलिंग भी हमको ही करनी है। और कंप्यूटर के साथ क्या फ़र्क होता है, टॉस के बाद एक तरफ से कंप्यूटर खेलता है और एक तरफ से हम।
England will be controlled by a human player. India to choose heads or tails. Hit H or T. तो अब बारी है टॉस की और टॉस में तो आपको पता है टेल्स और हेड्स होता है जब कॉइन को उछाला जाता है तो हम T for tails, H for heads. तो हम देखते हैं T. India called tails. India won the toss. India. Hit A to bat first. Hit B to bowl first. अब बैटिंग करना है या बॉलिंग करना है आप समझ रहे होंगे अभी सब तो क्योंकि कंप्यूटर खुद ही बोल रहा है A या B दोनों में से जो भी प्रेस करना है बैटिंग बॉलिंग. So okay, I'll choose batting. The T20 match between India and England is about to begin. England to bowl the first ball. England, use the up and down arrows to choose a bowler for over one. Space bar to select. थोड़ी देर के लिए मैंने वॉल्यूम कम कर दिया. जैसे हमने मैच स्टार्ट हो गया आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा जैसे मान लो ग्राउंड पे सच में बहुत सारे दर्शक हो. अब हमें बॉलर चूज करना है अप डाउन एरो से. यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बॉलर्स दिए हैं उन्होंने टीम में तो उनमें से किसी एक बॉलर को हमें चूज करना है अप डाउन एरो से. जिस भी बॉलर से हमको बॉलिंग करवानी है स्पेस बार से उसे सिलेक्ट करना है. सी जॉर्डन पेस बॉलर जीरो ओवर्स नो मेडन्स नो विकेट्स डी विली पेस डेविड एम वुड ए राशिद स्पिन बॉलर जीरो ओवर्स no maidens no wickets no runs. चलिए हम राशिद से बॉलिंग कराते हैं तो जैसे हम स्पेस करेंगे स्पिन बॉलर ए राशिद विल बॉल ओवर नंबर 1 हिट एंटर टू बॉल द फर्स्ट बॉल. ओके बॉल फेंकने के लिए हमें एंटर प्रेस करना है और उसके बाद बैटिंग के लिए दो ऑप्शंस आएंगे. फ्लिपर प्ले अ स्ट्रोक हिट ए टू बैट अग्रेसिवली hit C to bat conservatively. Okay, अब यहाँ पे shots खेलने के लिए आपको दो options मिलेंगे. एक तो आप aggressive shot खेल सकते हो, दूसरा या तो down the ground shot खेल सकते हो. और जो cricket को like करते हैं, उनको पता होगा कि ये दो shots क्या होते हैं. तो दो ही keys आपको press करना है batting करने के लिए, या तो A या फिर C. So it's up to you. चलिए A press करते हैं. Hit enter to bowl the next ball. एक बॉल हो गया, six runs. दोबारा से next ball फेंकने के लिए same enter press करना है हमको. Flipper. Play a stroke. Hit A to bat aggressively. Hit C to bat conservatively. Nudge. Two runs. Hit enter to bowl the next ball. Leg spin. Play a stroke. Hit A to bat aggressively. In the air, through the gap, two runs, hit enter to bowl the next ball, leg spin, play a stroke, hit A to bat aggressively, hit man in the deep, drop catch, do you want to run? अच्छा catch drop हो गया, अब वो पूछ रहा है कि आपको run लेना है, yes के लिए Y press करना, N के लिए no, तो मैं यहाँ पे Y press करूँगा. One run. R. Sharma is facing next delivery. देखा जैसे हमने सिंगल लिया तो दूसरा बैट्समैन स्ट्राइक पे आ गया. एंटर प्रेस करते हैं. Stumped. लेफ्ट बोल्ड हो गया. R. Sharma is out stumped. For a duck. India is 11 for 1 after 0.5 overs. As Dhawan comes to the crease. If enter to bowl the next ball. देखा जैसे विकेट गिरा तो नेक्स्ट बैट्समैन शिखर धवन ऑटोमेटिक डाउन पे आ गए. एंटर प्रेस करते हैं. लास्ट बॉल बचा है. जसरा प्ले अ स्ट्रोक हिट ए टू बैट अग्रेसिवली हिट मैन इन द डीप फील्डेड नो रन एंड ऑफ ओवर 11 रन्स वर स्कोर्ड ऑफ द ओवर. एमएस धोनी इज फेसिंग नेक्स्ट डिलीवरी. इंग्लैंड Use the up and down arrows to choose a bowler for over 2. Space bar to select. तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ चुका होगा ये गेम और इतना शायद मेरे लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त है आपको इस गेम को समझने के लिए. चलिए एक और ओवर खेल लेते हैं.
वैसे हम पूरे 20 ओवर्स खेलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप अब इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो का जो लिंक है हम YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, और इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए हम नेक्स्ट बॉलर चूज करते हैं। M. Alley, spin bowler. Spin bowler M. Alley will bowl over number 2. हमने बॉलर कैसे चूज किया? Enter to bowl the first ball. अप डाउन एरो से हमने बॉलर चूज किया, उसके बाद स्पेस प्रेस किया, और अब बॉल फेंकने के लिए एंटर प्रेस करना है, और उसके बाद हमें शॉट्स के लिए दो ऑप्शन है, ए और सी। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो कुछ सेकंड हमें, मतलब एक सेकंड के लिए रुकना है, ठीक है? लेग स्पिन, प्ले अ स्ट्रोक। हाँ, जब वो प्ले अ स्ट्रोक बोलेगा ना, उसके बाद वो दो ऑप्शन देगा। इट्स सी टू बैट कंसर्वेटिवली। हाँ, जैसे वो स्टॉप हो जाएगा तब आप ए या सी जो भी प्रेस करना है। फोर रन्स, ट्रिपल्स टू द बाउंड्री, इट एंटर्ड टू बॉल, नो बॉल, नेक्स्ट स्ट्रोक इज अ फ्री हिट। देखा, नो बॉल पर फ्री हिट भी मिला। It C to bat conservatively in the air. Super catch. Catch out. No reaction from the umpire. Not out. So not out. It enters to bowl the next ball. Stump. Second wicket. MS Dhoni is out stumped for 15 runs. India is 16 for 2 after 1.2 overs. तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली स्कोर चेक नहीं कर सकते, या तो ओवर समाप्त होने के बाद वो ओवर में कितने रन आ गए वो बता देगा, और या फिर कोई विकेट अगर गिर जाती है तभी वो टोटल स्कोर बता देता है। ठीक है, स्कोर चेक करने की कोई शॉर्टकट की नहीं है। ऑफ स्पिन, प्ले अ स्ट्रोक, हिट ईच बैट अग्रेसिवली, फ्लिक्ड अवे, वन रन, एस्टेबन इज फेसिंग नेक्स्ट डिलीवरी। It entered to bowl. Jusra. Play a stroke. Hit A to bat aggressively. Hit C to bat conservatively. Not out. Hit enter to bowl the next leg spin. Play a stroke. Hit A to bat aggressively. Hit C to bat. Not out. देखा कैसे LBW अपील भी करते हैं। Hit enter to bowl the next ball. काफी interesting लगा मुझे ये game. Jusra. Play a stroke. Hit A to bat aggressively. It smashed into the air and over the fielder for 4. End of over. 10 runs were scored off the over. B. Kohli is facing next delivery. England, use the up and down arrows. तो दो ओवर का खेल समाप्त हो गया। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मैं पूरा गेम नहीं खेलूंगा, शायद इतना काफी है आप सबको समझाने के लिए। और अब यहाँ पे हम या तो R प्रेस करेंगे अगर इस गेम को सेव करना है। जैसे मान लो कोई काम याद आ गया आपको और आपको इस गेम को अब आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन आप डायरेक्टली क्विट नहीं करना चाहते, आप आर प्रेस करके इस गेम को सेव कर सकते हैं। फिर सेव करने के बाद आप इस गेम से क्विट कर सकते हैं क्यू प्रेस करके। तो चलिए इस गेम को मैं सेव कर देता हूँ, बाद में कंटिन्यू करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी हमने समझाया है। फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टीज हो डाउनलोड इंस्टॉल करने में या फिर गेम को समझने में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं, आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। अब हम इसे सेव कर देते हैं। You cannot resume a game while a game is in progress. अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे आर प्रेस किया कि हम गेम को रिज्यूम नहीं कर सकते जब गेम चल रहा हो, तो अब मुझे शायद क्यू प्रेस करना पड़ेगा। Hit the Q key again to quit without saving or escape to cancel. तो यहाँ पे हाँ, ये प्रॉब्लम्स है वैसे, कभी कभी गेम पूरा सेव नहीं होता और कभी सेव हो जाता है। वैसे तो इस गेम को सेव हो जाना चाहिए था, देखते हैं फिर से आर प्रेस करके। You cannot resume a game while a game is in progress. तो सेव नहीं हो रहा है वैसे, खैर। बट ठीक है, मैं इसे क्विट कर देता हूँ। Thank you for playing Blind Gamers 2020 Cricket. तो कभी-कभी ऐसा इशू होता है वैसे, ठीक है, कि सेव गेम नहीं हो रहा है। मैंने एक गेम को सेव किया था,
और तो उस टाइम पे सेव हो गया था आप. अच्छा ओवर समाप्त हो गया शायद इसलिए सेव नहीं हो पाया. बट आप बीच में कभी भी अगर मान लो कोई ओवर चल रहा है और चार पांच मतलब बॉल्स खत्म हो गए और बीच में कुछ आपको काम याद आ गया तो उस टाइम पे फिर आप इसे आर प्रेस करके सेव करके देख सकते हैं. और अब मैंने क्यू प्रेस करके इसे क्विट कर दिया और इसी के साथ हमारा ये गेम समाप्त हुआ. तो IPL का सीज़न जब तक चल रहा है तब तक मज़े लीजिए और कभी कभी जब भी आपको थोड़ा बहुत आप बोर फील करें तो इस प्रकार के इंटरेस्टिंग गेम्स को खेल कर अब अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं. एक बार फिर मैं बताऊंगा कि आप किसी भी टॉपिक पर अगर हमसे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप हमें सुझाव दीजिए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं. और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे इस ट्यूटोरियल को स्टार्टिंग से लेकर अब तक पूरा सुना. इसलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग नए ट्यूटोरियल के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर.